गुड इवनिंग गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टेक बाइट में। तो जैसे कि हमने आपसे डिस्कस किया था कि हम एक एक्सेल की जो है सीरीज जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ये एक्सेल सीरीज का आपका पहला वीडियो है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग एडवांस फिल्टरिंग सीखेंगे, ठीक है। तो एडवांस फिल्टरिंग का बेसिकली यूज़ क्या है, जैसे नॉर्मल हम फिल्टर करते हैं डेटा को, ठीक है, कि हमें पर्टिकुलर डिटेल फिल्टर करके निकालना है तो हम नॉर्मल फिल्टर यूज़ करते हैं। लेकिन एडवांस फिल्टर का यूज़ कहाँ होता है, जहाँ पे हमें एडवांस लेवल पे चीज़ों को फिल्टर करके निकालना होता है, तो वहाँ पे हम एडवांस फिल्टर यूज़ करते हैं। नाम से ही पता लग रहा है दिस इज एडवांस फिल्टर, ठीक है। तो एडवांस फिल्टर को यूज़ करने के लिए मेरे पास पहले से ही एक डेटा शीट अवेलेबल है, ठीक है, और ये शीट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आप इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। तो आज का जो हमारे पास कुछ ले लेते हैं एजेंडा कि किस तरीके से हमें फिल्टर का यूज़ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, तो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी उठा के निकाल लिया। तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि या मेरा मैनेजमेंट या मेरा सीनियर कहता है कि भाई मेरे पास यहाँ पे ये कुछ मेल आईडीज़ हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि जीमेल की आईडीज़ हैं, मिक्स है, याहू की मेल आईडीज़ हैं, हॉटमेल की मेल आईडीज़ हैं, तो अगर मेरा मैनेजमेंट कहता है कि मुझे सिर्फ जीमेल की आईडीज़ फ़िल्टर करके मेरे को दे दो, तो आप कैसे करोगे, आप इसी के लिए फ़िल्टर यूज़ करोगे। लेकिन अगर मैं फ़िल्टर का यूज़ करता हूँ तो क्या मैं देखूँ कि क्या मैं देख सकता हूँ, क्या मैं जीमेल की आईडी गेट कर सकता हूँ, ट्राई करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फ़िल्टर पर क्लिक करूँगा, मैं कहीं पर भी क्लिक करके इस फ़िल्टर का यूज़ करूँगा, ठीक है। इस पर क्लिक करते के साथ ही आप देख रहे हो आपके पास फ़िल्टर का ये जो है टैब आ गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको रिमूव करना, तो मैं दोबारा इस पर क्लिक करूँगा, रिमूव हो जाएगा। तो अगर मैं एक बार क्लिक करूँगा ये फ़िल्टर लग जाएगा, अनचेक करूँगा, दोबारा से मैं क्लिक करूँगा तो ये रिमूव हो जाएगा। तो इस चीज़ को करने के लिए अगर मैं कीबोर्ड से करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा, तो उसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करना होगा, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एल से भी आपका फ़िल्टर लग जाता है, दिस इज शॉर्टकट की ऑफ फ़िल्टर, ठीक है। तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस किया और फ़िल्टर लग गया। अब मैं यहाँ पे फ़िल्टर करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरी सारी ईमेल आईडीज़ जो हैं फ़िल्टर हो गई हैं। लेकिन अब मुझे इसमें से कौन सा फ़िल्टर ईमेल आईडी फ़िल्टर करनी है, जो कि जीमेल की है। तो अगर मेरे पास अभी तो ये 100 के आसपास की जो है शीट है मेरे पास, लेकिन अगर यही शीट मेरे पास 1 लाख के आसपास होती या 50,000 के आसपास होती, तो मैं कैसे निकालता। मैं सबसे पहले इसको अनचेक करता और अनचेक करके जहाँ जहाँ जीमेल आ रहा है मैं वहाँ पे क्लिक कर सकता, करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। देख सकते हैं बीच बीच में जीमेल आ रहा है, तो इस तरीके से तो फिर मैं पूरे दिन लगा रहूँगा तो भी मेरे पास जो है रिजल्ट नहीं निकाल पाऊँगा मैं, ठीक है। तो इस चीज़ को मतलब इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एडवांस फिल्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें जीमेल वाली आईडी को जो है फ़िल्टर करना है। तो ये मेरी मेन शीट है, अब देख सकते हैं कि मैंने इस शीट के ऊपर एक अलग से एक शीट बना रखी है, ये मेरी वर्कबुक है, इसके अंदर मैंने एक अलग से शीट रिजल्ट की निकाली, यानी जो मैं रिजल्ट निकालूंगा मैं इस शीट पे निकालूंगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आपको ये जो हेडिंग है, ठीक है, इन हेडिंग को देखो क्या क्या है यहाँ पे, यहाँ पे आपका कंपनी है, देन ईमेल आईडी है, स्टेटस है। तो हम लोग 2-3 एग्जाम्पल दे के हम लोग एडवांस फिल्टर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, जीमेल की, कि मुझे जीमेल की जितनी भी ईमेल आईडीज़ है वो मुझे निकालनी है, फ़िल्टर करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करो, ये जो आपकी मेन शीट है, इस शीट मेन शीट के ऊपर आप जहाँ पे आपकी ये हेडिंग ख़त्म हो रही है वहाँ से आप एक स्पेस देके, यानी एक सेल छोड़ के आप नेक्स्ट सेल के अंदर आप अपने क्राइटेरिया लिखेंगे कि मुझे चाहिए क्या। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे ईमेल्स निकालनी है, ठीक है, जीमेल वाली। तो मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे ईमेल टाइप कर लूँगा। देखो आप ईमेल टाइप भी कर सकते हैं, बट रिकमेंडेशन ये होती है कि आप कभी भी क्राइटेरिया जब भी आप फिल्टर करते हो, जो हेडिंग होता है, हमें हेडिंग के हिसाब से फ़िल्टरिंग करनी होती है, तो कभी भी आप अपनी हेडिंग की जो जो हेडिंग्स होता है उसको टाइप ना करके आप उसको डायरेक्ट कॉपी कर लीजिए, दिस इज़ अ बैड गुड ऑप्शन, ठीक है। तो ये आप इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। होता क्या, कई बार हमारे पास काफ़ी लंबी लंबी जो होती हैं वो हेडिंग्स होती हैं, तो जब वहाँ पे हम टाइप करते हैं तो वहाँ पे अगर टाइपिंग एरर हो जाता है तो उस केस में फिर हमारा रिजल्ट नहीं आता, तो उस केस में फिर हम परेशान होते हैं कि भाई रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, बाद में चेक करता है कि भाई तो हेडिंग ही गलत टाइप की हुई हमने। तो इसीलिए कभी भी आप फिल्टरिंग वगैरह यूज़ करें, एडवांस फिल्टरिंग वगैरह यूज़ करें, तो कभी भी आप टाइप ना करें हेडिंग को, डायरेक्ट कॉपी कर लें, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर लिया, ठीक है, मैं आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक स्पेस छोड़ा हुआ है, ठीक है। और ईमेल
करने के बाद यहाँ ये मेरा क्राइटेरिया हो गया, और यहाँ पे मुझे क्या चीज़ फ़िल्टर करना है, मुझे जीमेल वाली आईडी फ़िल्टर करनी है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा स्टार जीमेल और देन स्टार। अब मैंने यहाँ पे स्टार जीमेल स्टार क्यों प्रेस लगाया है कि स्टार का मतलब है कि जीमेल से पहले कुछ भी हो मुझे कोई मतलब नहीं, और जीमेल के बाद में कुछ हो मुझे कोई मतलब नहीं। अब एक ईमेल आईडी होती है जैसे abc@gmail.com, तो abc क्या है, नाम हो गया, डॉट कॉम क्या उसका डोमेन हो गया, तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि स्टार्टिंग में क्या आ रहा है और लास्ट में क्या आ रहा है। मुझे ये है कि उस ईमेल आईडी के अंदर कहीं पे भी अगर जीमेल लिखा हुआ आ रहा है तो मुझे वो चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने स्टार लगा के, स्टार्टिंग में स्टार लगाया मतलब स्टार्टिंग में कुछ हो मुझे कोई मतलब नहीं, लास्ट में अगर कुछ हो जीमेल के मुझे कोई मतलब नहीं, बट हाँ अगर बीच में उसको कहीं जीमेल मिले तो मुझे डेटा दे दे वो, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने ये क्राइटेरिया, दिस इज़ क्या, ये क्या है, ये मेरा क्राइटेरिया है, ठीक है, इसके बेसिस पे मैं रिजल्ट निकालूंगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको करना क्या है, एडवांस फिल्टर को यूज़ करने के लिए आपको पहले जहाँ पे आपको रिजल्ट निकालना है वहाँ जाना है, उसके बाद आप कहीं पे भी क्लिक करें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग में क्लिक कर देता हूँ, और एडवांस फिल्टर का यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे जो टैब्स देख रहे हो यहाँ पे आपका मिलेगा डेटा टैब, ठीक है, जैसे ये अलग अलग फॉर्मूला है, पेज लेआउट है, इस तरीके से आपको डेटा टैब पे जाना है, और यहाँ पे एक आता है एडवांस, फिल्टर के बगल में ही है, दिस इज़ द एडवांस, इसे हम एडवांस फिल्टर बोलते हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे, अब इस पर क्लिक करने के बाद मेरे पास दो ऑप्शन है एक्शन के अंदर, एक तो फिल्टर द लिस्ट इन द प्लेस एंड कॉपी टू अनदर लोकेशन। अगर तो मैं रिजल्ट सेम पेज पे चाहता हूँ, यानी जिस शीट पे मेरा डेटा है उसी शीट पे अगर मैं रिजल्ट निकालना चाहता हूँ कहीं पे, तो मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं यार जो रिजल्ट है वो मैं किसी दूसरी शीट पे निकालना चाहता हूँ, तो मैं इस ऑप्शन पर यूज़ करूँगा, और बेटर रिकमेंडेशन यही होता है कि आप एक नई शीट पे अपने रिजल्ट निकालें, ठीक है। तो मैंने कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे तीन ऑप्शन है, लिस्ट रेंज, क्राइटेरिया रेंज एंड कॉपी टू। तो लिस्ट रेंज के अंदर आपको अपना मेन डेटा सेलेक्ट करना होता है, ध्यान रहे कि जितना आपका डेटा होता है उतना आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो लिस्ट रेंज के अंदर आपका मेन रॉ डेटा आएगा, तो मेरा डेटा कहाँ पे है, मेरी मेन शीट के ऊपर, ये मेरा डेटा है, मुझे इसमें से लिस्ट में से मुझे निकालनी डेटा, तो मैं यहाँ पे इस कहीं पे भी क्लिक करो, और जो आपकी पूरी जो हैडिंग है कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो दबाओगे तो देखोगे आप पूरा का पूरा जो हैडिंग है ऊपर वाली वो सिलेक्ट हो गई है। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट दोबारा दबा के डाउन एरो दबाओगे, इससे क्या होगा आपका जो टोटल जो डेटा है वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लिस्ट रेंज के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो मेन रॉ डेटा है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद जाना है आपको क्राइटेरिया रेंज के अंदर। अब क्राइटेरिया रेंज के अंदर आप जब जाओगे, उसके बाद अभी आप देखो कौन सी शीट पे हो, रिजल्ट वाले पे, वापस डेटा शीट पे जाओ, तो जो क्राइटेरिया है वो मैंने आपको याद होगा कि मैंने यहीं पे लास्ट में टाइप किया था, कहीं पे भी क्लिक करो, सबसे टॉप पे जाओ, और लास्ट में मैंने ये मेरा क्राइटेरिया था, आप देख रहे होंगे ना, ये मैंने कि मुझे जीमेल के हिसाब से मुझे डिटेल निकालनी है, तो आपको इस ईमेल पे क्लिक करनी है, यानी हेडिंग पे क्लिक करना है, और डाउन एरो से एक बार जीमेल को भी सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज क्या दे रहा हूँ, जीमेल, मुझे जीमेल के जो ईमेल आईडीज़ है उसको मुझे फ़िल्टर करना है, तो मैंने यहाँ पे अपना क्राइटेरिया को सिलेक्ट किया। अब कॉपी टू, कॉपी टू मतलब आपको रिजल्ट कहाँ निकालना है, तो मैंने इसको यहाँ क्लिक कर दिया, कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं, अगर आप यहाँ क्लिक तो यहीं डेटा आ जाएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करके ओके करूँगा तो जीमेल की जितनी भी ईमेल आईडीज़ हैं वो फ़िल्टर होकर यहाँ जाएगी। ओके करो, ये देखो, अब देखो ये पूरा का पूरा जो डेटा है वो आपका सिर्फ जीमेल का है। अब अगर मैं डेटा शीट पर जाऊँ तो डेटा शीट के ऊपर अगर मैं आपको टोटल दिखाऊँ कि 116 जो है टोटल रिकॉर्ड्स हैं। अब रिजल्ट के अंदर चलो और रिजल्ट के अंदर जाके देखो सिर्फ 34 है, यानी 33 है सॉरी। तो और आप देख सकते हो ये सारी जीमेल की ही आईडीज आ रही हैं और कुछ नहीं आ रहा आपको यहाँ पे। तो होता है ना कई बार हमारी कंपनीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डोमेन की आईडीज हम यूज़ करते हैं, तो हमारे पास उसमें से एक पर्टिकुलर डोमेन की डिटेल निकालनी है। तो अब ये तो बात रही सिर्फ एक सिंगल ईमेल आईडी डोमेन की कि हमने सिर्फ जीमेल की निकाली। कई बार ऐसी रिकमेंडेशन आती है कि भाई दो, जैसे जीमेल की भी निकाल के दो और हॉटमेल की भी निकाल के दो। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, मैं इस डेटा को वापस से क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। रिजल्ट जो मैंने निकाला है वो डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है। वापस से चलते हैं। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या रिक्वायरमेंट आई, मेरी रिक्वायरमेंट आई कि मुझे सिर्फ और सिर्फ जीमेल एंड हॉटमेल, हॉटमेल की भी चाहिए मुझे, ठीक है, दोनों की चाहिए। तो मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे दोनों क्राइटेरिया टाइप कर दूंगा, हॉटमेल, ठीक है, यानी हॉटमेल के स्टार्टिंग में कुछ हो मुझे कोई मतलब नहीं, हॉटमेल के लास्ट में कुछ हो मुझे कोई मतलब नहीं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में स्टार लगाया और लास्ट में स्टार लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे क्राइटेरिया क्या है, दो क्राइटेरिया हो गए कि मुझे जीमेल की भी डिटेल निकालनी है और हॉटमेल की भी। कई बार होता है कि हमारी कंपनी में दो दो डिफरेंट डोमेन, कई सारे डोमेन चल रहे होते हैं, तो उनमें से हमें कोई पर्टिकुलर दो या तीन डोमेन की डिटेल निकालनी है ना,
तो उस केस में हम क्या करेंगे, दोनों फिल्टर करेंगे अब, ठीक है। अब सेम वही चीज़, वापस रिजल्ट वाले पेज सीट पे जाओ, कहीं पे भी क्लिक करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे डेटा टैब में आके एडवांस पे जाना है आपको, ठीक है। और एडवांस पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे लिस्ट रेंज देनी है। लिस्ट रेंज में क्या आएगा, हमारा अपना डेटा आएगा। तो फिर वापस अपने डेटा शीट पे जाओ, कहीं पे भी क्लिक करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहले आपको अपना पूरा हेडिंग स्टार्टिंग से लेके राइट करके डाउन, मैंने क्या किया, स्टार्टिंग पे क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस किया, राइट एरो से पूरा हेडिंग सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से पूरा का पूरा डाउन तक मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज मैंने सेम शीट पे ही लिया हुआ है, यानी डेटा वाली शीट पे ही। लास्ट पे चले जाओ, सबसे पहले आपको हेडिंग सेलेक्ट करनी है, फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दबा दोगे तो यह पूरा का पूरा आपका सेलेक्ट हो जाएगा नीचे तक, ठीक है। और उसके बाद मुझे डिटेल कहाँ निकालनी है, एक दूसरी शीट के ऊपर फिर से वही जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, सॉरी कॉपी टू पे क्लिक करके मुझे यहाँ से रिजल्ट निकाल लिया, ओके किया। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास पहले 34 डिटेल्स आ रही थी और अब कितनी आ रही है, 63। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर की जो मेल आईडी थी वो सारी जीमेल की हैं, ये जीमेल चल रही है, जीमेल चल रही है, सारी जीमेल है, देख रहे हैं। और इसके बाद आपका हॉटमेल शुरू हो गया, यहाँ से हॉटमेल। तो मेरे यहाँ पे क्या हुआ, दो क्राइटेरिया आ गया, हॉटमेल और जीमेल, दोनों की डिटेल मेरे पास मिल गई। तो आपने देखा कि कितनी, मतलब विद इन अ मिनट आपने ये डिटेल निकाल ली। और अगर मैं वैसे फ़िल्टर करने बैठता तो भैया सुबह से शाम हो जाती, बट मैं से फ़िल्टर नहीं हो पाता, है ना। तो ये तो था हमारा एक सिंपल सा मतलब एक क्राइटेरिया लेके, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से मल्टीपल कह सकते हैं कि मल्टीपल क्राइटेरिया के बेसिस पे, कि भाई मुझे ऐसे निकालना है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को वो स्टेटस निकाल के दो जिनका स्टेटस पेंडिंग हो, लेकिन कौन से, यहाँ पे एक देख सकते हैं क्राइटेरिया रीजन का भी है, यहाँ पे अमेरिकन रीजन है, यूरोप है, ठीक है। तो मुझे ये निकालना है कि अमेरिकन रीजन में जितने भी पेंडिंग स्टेटस है मुझे उनकी डिटेल चाहिए। तो यहाँ पे कितनी क्राइटेरियाज आ गई, दो क्राइटेरिया, एक तो मुझे स्टेटस क्या चाहिए, पेंडिंग चाहिए, रीजन क्या चाहिए, अमेरिका चाहिए, ठीक है। और ये भी कर सकते हो कि भाई मुझे सिर्फ जीमेल की डिटेल निकाल के दो, तो क्राइटेरिया तीन। तो मल्टीपल क्राइटेरिया के थ्रू भी आप एडवांस फिल्टर कर सकते हो। तो इसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, चैनल के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता ही है, और अगर इस तरह के और वीडियोस आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।